रांची के एक्सट्रीम बार में हुए कांड का पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। ऑपरेटर संदीप प्रमाणिक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी अभिषेक सिंह को बिहार के गया से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद रांची के पुलिस ने गया के एसएसपी आशीष भारती से संपर्क किया था और आरोपी अभिषेक सिंह की गिरफ्तारी में सहयोग करने का अनुरोध किया था। एक्सट्रीम बार में युवती को छेड़ने से उठे विवाद में सिरफिरे अभिषेक सिंह का पारा चढ़ा और उसने डीजे ऑपरेटर संदीप प्रमाणिक को बार के बाहर पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीने में बाईं ओर राइफल से रात 1:19 पर गोली मार दी। सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। जिस जगह पे यह घटना हुई वहां से कुछ दूरी पर ही रेडिशन ब्लू होटल है जहां वीवीआईपी ठहरते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद वह ब्रेजा गाड़ी से भाग निकला। इस दौरान उसने गाड़ी को रास्ते में डिवाइडर से टक्कर मारी, फिर गाड़ी को कचहरी चौक स्थित एक गैराज में पार्क कर दिया। फिर दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर वह पटना स्थित अपने घर के लिए रवाना हुआ और रास्ते में ही पुलिस ने उसे गया में गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी घटना की जानकारी रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि अभिषेक सिंह कोका कोला का बिजनेस करता है, रांची में वह इसकी एजेंसी ले रखी है। जिस हथियार से हत्या की गई थी उसके बारे में उन्होंने बताया कि यह असम से लाइसेंस लिया हुआ है, लेकिन झारखंड के रांची में आने के बाद वह यहाँ इसका रजिस्ट्रेशन उसने यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। देखिए, जब घटना घटने की सूचना मिली है तो एक्सट्रीम बार पुलिस की टीम गई और सबसे बड़ी समस्या इस कांड में यह था कि घटना मध्य रात्रि में घटी थी और वहां पर उस समय जब पुलिस की टीम पहुंची कोई विटनेस वहां पर मौजूद नहीं था, हमारे पास कोई सूत्र नहीं था, उसमें कोई सीसीटीवी फुटेज अविलंब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया और रांची पुलिस का एक एक पदाधिकारी बहुत कड़ी मेहनत करके सूत्र को तलाशा, सूत्र को तराशा और उसने पता किया कि इसमें कौन कौन लोग उस समय आए थे, किस क्यों घटना आरंभ हुई और बाउंसर के मारपीट से लेकर कड़ी को जोड़ते हुए लोग पहुंचे और अंततः पता चला कि इस घटना को कारित करने वाले अभिषेक सिंह नाम का आदमी है। जब उसके बारे में पता किया पता चला कि वो घर से फरार है। उसके बाद पुलिस ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके हजारीबाग पुलिस को और गया पुलिस से इनपुट शेयर किया क्योंकि उसके भागने की दिशा उधर ही थी और अल्टीमेटली चौतरफा घेराबंदी करके रांची पुलिस ने गया के अलीपुर थाने क्षेत्र से उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद अभी वहां से वो आएगा तब हम लोग उसे फर्दर इंट्रोगेशन करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया इस बात का खुलासा हो गया घटना उसके द्वारा। क्या बैकग्राउंड रहा है अभिषेक सिंह? अभिषेक सिंह ऐसे एक बिजनेसमैन है जो कोका कोला का बिजनेस करता है, एजेंसी लिए हुआ है और इसके अलावा आईटीसी सिगरेट्स की एजेंसी है, उसे गोडाउन वगैरह है। जो दो गाड़ियां उसके पास है, एक ब्रेजा है और एक इग्निस है और वो दोनों गाड़ी पुलिस ने जब्त किया। ब्रेजा हमें रांची में ही मिल गया और इग्निस जिससे वो भाग रहा था उसको हम लोगों ने जो है हजारीबाग की चौपारण से पकड़ा, लेकिन वो गाड़ियां बदल बदल के जा रहा था और जो एक और गाड़ी उसने स्कॉर्पियो यूज की वो गया में जाकर पकड़ा गया। अभी तक जो है निष्कर्षता कुछ कहना उचित नहीं है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि बाउंसरों के साथ मारपीट के कारण जो अभिषेक और उसके मित्रगण थे वो आक्रोशित थे काफी और उन्हें लगा कि हमारे साथ बाउंसरों ने काफी मारपीट की है और इससे आक्रोशित होकर नशे की हालत में संभवतः उसने ये घटना की है, लेकिन अभी पूरा निष्कर्ष अभी कुछ भी देना उचित नहीं। हथियार क्या लाइसेंस? हथियार जो है जो उसके घर में सर्च किया गया 2 लाइसेंस मिले हैं जो असम के हैं, पर कई बार असम और नागालैंड के साइड में जो लाइसेंस मिलते हैं काफी उसमें फर्जी भी होते हैं, तो यह फर्जी है या असली असम सरकार का बना हुआ है इसकी छानबीन भी बाकी है, लेकिन इसने जो है रांची में आके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था इस लाइसेंस का, क्योंकि नियम है कि अगर आप किसी लाइसेंस को लेकर अदर स्टेट जाते हैं तो आपको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने डीसी ऑफिस से चेक करवाया, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी रजिस्टर में इसकी एंट्री नहीं है और हम लोगों ने चुनाव के समय में कई बार अनुरोध किया था, चेतावनी दी थी कि अगर आपके पास कोई लाइसेंसी हथियार किसी सूचना दे और जमा करें, इसका भी उसने अनुपालन नहीं किया। यह दिखलाता है कि वह कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं। सर, बाहर में ऐसी हमेशा अक्सर घटना आती रहती है मारपीट और अब लड़कियों से छड़कानियां भरता, तो इसको लेकर रांची पुलिस कुछ ऐसा कुछ गाइडलाइंस वगैरह? देखिए, इसके लिए गाइडलाइन सब आईपीसी में प्रोविजन बने हुए, अगर आप लड़कियों से छेड़खानी करते हैं या एक्साइज एक्ट में प्रोविजन बना के अगर समय से ज्यादा बार चलाते हैं तो कानून है। अब है क्या कि इसको जो है एक्साइज के अलावा पुलिस विभाग भी जो है सीरियसली देखेगी कि एक एक बिंदु का अनुपालन हो और कहीं भी ऐसी कोई परिस्थिति न बने जिसके चलते अपराध घटी। बाउंसरों की गतिविधि पर भी जो है किस तरीके का क्या एसओपी है, किस परिस्थिति में बाउंसर रहते हैं, बाउंसरों को क्या अधिकार दिया जाता है और मालिक कैसे उसे गाइड करते हैं,
यह भी हम लोग छानबीन करेंगे और इसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी। सर बीती रात गश्ती वो घटना की सूचना पर नहीं गई थी, गश्ती वो नॉर्मल गश्ती थी अरगोड़ा थाने की, और फायरिंग की आवाज सुनने के बाद आपको फायरिंग की डायरेक्शन कहाँ फायरिंग हुई उसके बारे में पता करने में समय लगता है, क्योंकि आवाज के बाद आपको पता लगाना पड़ता किधर है। पता लगाने के बाद तुरंत वो गाड़ी वापस लौटी और जैसे ही वो जिप्सी से उतर के उसकी और दौड़े तो वो गाड़ी स्पीड करके भाग गया। पुलिस जन को वापस जिप्सी में बैठने में थोड़ा समय लगा, जिस आरोपी को काफी तेजी से गाड़ी चलाया और उसने एक्सीडेंट की परवाह नहीं की, बाद में उसकी जो गाड़ी मिली है उसमें एक्सीडेंट हुआ है जिससे लगता है कि वो काफी तेजी से भागा था। पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया हालांकि वो उसमें सफल नहीं हो पाए और कुल मिलाकर रांची पुलिस ने 15 घंटे के अंदर उसे पकड़ा। सर यूनियन टीम आपने तैयार किया था इस पूरे कांड में, 7 टीम एक साथ काम कर, टेक्निकल टीम थी, जैसे कि एक सस्पेक्ट को हम लोगों ने यहाँ रामगढ़ से लाया, दो जो है रांची के विभिन्न क्षेत्रों से हम लोगों ने लाया है इंटरोगेशन के लिए, जो बोकारो सॉरी जो गया की ओर डायरेक्शन जा रही थी उसमें 3 टीमें गई थी, इसके अलावा जो है यहाँ पर जो हथियार की बरामदगी जो भी मेरा काम बचा हुआ है उसमें भी 2 टीमें काम कर। सर हथियार प्रयोग किया हथियार में, हथियार जब्त हुआ है? अभी हथियार जब्त नहीं हुआ है, इसलिए प्रयास जारी है। सर सर आरोपियों में एक रामगढ़ का बैंक मैनेजर भी बताया जा रहा है, यूनियन बैंक का मैनेजर है वो बाउंड। इस समय ये जो पूरी टीम है जो मुख्य अभी अभिषेक है वह जिन व्यक्तियों के साथ गया था उसमें वो रामगढ़ का जो ब्रांच मैनेजर यूनियन बैंक का वह भी साथ में था, उस मारपीट में वो भी शामिल था। बाकी हत्याकांड के षड्यंत्र में या उकसावे में वो शामिल है या नहीं है जब तक अभिषेक आता नहीं है और सबसे हम लोग आमने सामने बैठा के इंट्रोगेशन नहीं करते तो ठीक आना उचित। ठीक सर, 10 बजे रात।